बड़ी सीट रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसे में उन्हें वहां से उतारा गया है, तो देखना यह है कि अब किस तरीके से। हेमा मालिनी हमारे साथ में, जो मथुरा से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाई गई है, मौजूदा सांसद भी वहां से जुड़ गई है। हेमा जी, कैसा लग रहा है फिर से आपको एक बार उम्मीदवार बनाया गया, कितना जनता आप पर भरोसा लगाई, क्या लगता है? बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, थर्ड टाइम मुझे हमारे ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेमा जी, मथुरा बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती थी, आप दो बार लगातार वहाँ जीत चुकी हैं, ये हेमा जी का चमत्कार है कि बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का, हमारे सारे कार्यकर्ता इतना काम करते हैं, मोदी जी का दिया हुआ इतनी उपलब्धियों का बराबर लोगों में जाकर बताना, सारा काम हमारे पार्टी के काम करते हैं, प्लस मैंने मथुरा के लिए बहुत कुछ किया है, अभी और कुछ करना है, बहुत करना है। जैसे दो बार, हाँ जी बोलिए। हेमा जी, जैसे कॉरिडोर बने हुए हैं, महाकाल का कॉरिडोर बना, महाकाशी काशी का बना, मथुरा में कब आप मथुरा के लोगों को ऐसा दर्शन देंगी ताकि वहां भी दुनिया भर से आए? मथुरा तो बड़ा फेमस है, मथुरा में ऐसा? मथुरा सुनिए, मथुरा में तो दुनिया भर के लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उधर हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे तो वहाँ के बिहारी मंदिर है और इतने मंदिर, ये तो पूरा नगरी कृष्ण मंदिरों का ये नगरी है। इसके अलावा अभी कॉरिडोर भी बनेगा तो और भी कितने लोग होंगे, उसके हिसाब से हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा ना, वो सारा काम करेंगे हम। हेमा जी, एक और सवाल, अब मथुरा, आप तो मथुरा वासी हो गई हैं, मथुरा के लोग आपको वहां से निकलने देते नहीं है, आपके तो फैन फॉलोइंग पूरे देश में, आप तो स्टार कैंपेनर हैं, पूरा देश अब इंतजार करेगा कि हेमा मालिनी कैंपेन करने आएंगी कि नहीं, वहां ये दर्द बाकी लोकसभा क्षेत्रों में रहेगा? बाकी वो मालूम नहीं मुझे, मेरा क्षेत्र से मेरा मतलब है, अभी मेरा क्षेत्र का काम होने के बाद कहीं बुलाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे हमारे पार्टी। हेमा जी, बहुत बहुत बधाई भी आपको, और देखना ये कि आने वाला चुनाव में क्या नतीजा रहता है। लेकिन रवि किशन हमारे साथ में जुड़ गए हैं गोरखपुर से, एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। रवि किशन जी, बधाई भी और कितनी उम्मीद, फिर से भरोसा आप ही पर, और भोजपुरी में मैं चाहूंगी आप शुरुआत कीजिएगा। तो रवि किशन को गोरखपुर से एक बार फिर से मौका दिया गया है, हेमा मालिनी को भी आपने सुना, मथुरा से एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने दाव खेला है, और पिछला भी चुनाव वो जीती, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीती, और एक बार फिर से उन्हें यहां पर मौका दिया गया। हालांकि विरोधी कहते रहे कि मुंबई से आकर क्या यहां पर इस तरीके से यहां चुनाव जीता सकता है। उपेंद्र का रुख करते हैं, उपेंद्र अभी आपके साथ लोग थे, मिठाइयां खाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी की धरती से तीसरी बार चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, काशी में जगह जगह मिठाइयां बट रही हैं, उत्साह में हैं जो उनके समर्थक हैं। का हो गुरु, इतना उत्साह का है, और तीसरी बार कोई आदमी लड़ा हुआ तो कि कुछ बुराई भी भला तो बस तू लोग तो अच्छाई अच्छाई गिनावत हुआ, का है इतना हो जोश में हो आप? जब सरकार इतना हमारे लिए कर रहा है, लड़कियों के लिए इतना फैसिलिटी दिया है, तो उन्हीं को ना सपोर्ट करेंगे, और किसको सपोर्ट करेंगे? तो तीसरी बार क्या लग रहा है कि दिक्कत, पिछली बार का जो मार्जिन है कम होगा तो पड़ेगा। गोरखपुर से एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन बनाए गए, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि जी, बधाई, कैसा लग रहा है भोजपुरी में, एक बार शुरुआत कीजिए। करेंगे रवि किशन का रुख, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संपर्क साध पाए, और ये हम तस्वीरें आपको बनारस की दिखा रहे हैं, बनारस की जनता किस तरीके से खुश हो रही है, और वहां के कार्यकर्ता बीजेपी के किस तरीके से खुश हो रहे हैं आप देख सकते हैं। बीजेपी ने 197 अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें से कई पुराने चेहरे रिपीट किए गए। सबसे चौंका देने वाले उम्मीदवार हमने दिल्ली में देखे, प्रवेश वर्मा, जो पश्चिमी दिल्ली की सीट पर बड़े मार्जिन से 2019 में जीतते हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट ना देकर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं सुनते हैं। शिवराज सिंह चौहान को देखिए विदिशा से उतारा गया है। अमिताभ जी का एक बार मैं रुक करूंगा, अमिताभ जी ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, पूरी लिस्ट में हमने देखा कि जो पुराने चेहरे रिपीट किए गए, अमूमन हम सोचते थे कि कहीं नए चेहरे ना लाए जाएं, लेकिन पुराने चेहरों पर दाव खेला जिन्होंने काम किया। हर राज्य में अगर पूरी की पूरी लिस्ट देखें, प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर है, दूसरे नाम पे अगर अंडमान निकोबार दे विष्णु पद्रे, ये दो बार पहले भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू, तापिर गांव, ये दोनों बहुत अनुभवी चेहरे हैं, तापिर गांव हो चाहे किरण रिजिजू, दो दो डेढ़ डेढ़ दो दशकों से तीन चार बारी से लगातार सांसद बने हुए हैं। तो अगर तो
अजय मिश्रा टेनी के नाम को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए अजय मिश्रा बहुत विवाद में, मैं इसीलिए इस पर आई थी कि बड़ा विवाद था। फिर अजय मिश्रा टेनी को लेकर काफी विवाद था, लेकिन मुझे लगता है एक बार फिर विनेबिलिटी क्राइटेरिया, एक बार जो जीत सकता है उस पर दांव लगाया है पाटियाला कमान ने, और आला कमान को भरोसा है कि एक बार फिर वो बीजेपी की लहर में जीत कर वापस आएंगे। और मुझे लगता है निरहुआ को भी अवार्ड दिया गया, रिवॉर्ड दिया गया कि बाईपोल में उन्होंने बड़ी मेहनत करी, फिर भी उसने दे दिया गया उनको, दिया गया उनको मौका। बिल्कुल, निरहुआ को बाईपोल में मौका मिला था और आजमगढ़ में वो जीत कर आया था। आजमगढ़ में अगर अगर उनकी नाक के नीचे जीत कर आ रहे हैं यादव परिवार के, अखिलेश यादव के, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यही उपलब्धि है जो उनको इस बार फिर चुनाव लड़वा रही है, क्योंकि आजमगढ़ एक अच्छी टफ सीट मानी जाती है बीजेपी से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आजमगढ़ ऐसी टफ सीट थी, एक ऐसा किला था जो समाजवादी पार्टी का कोई भेद दे कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन निरहुआ ने और योगी आदित्यनाथ जो वहां पर जाते प्रचार करते उन्होंने भेद कर दिखाया। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं, बनारस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बड़ी मिठाई खिलाई जा रही है, बड़ी खुशी है लोगों में कि फिर से नरेंद्र मोदी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये उत्साह देखते ही बन रहा है और आतिशबाजी भी देखिए आ गई है यहाँ पर, तो लगातार मिठाई बट रही है, आतिशबाजी हो रही है, क्यों हो रही है ये भी हम दिखाएंगे, तस्वीर कैमरा पर्सन दिखाए, बात हम इनके दिलों की सुनाते हैं आपको। ये आप लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाई बट रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे मस्ती का आलम हो भैया, मस्ती का दिन चला, तो माननीय मोदी जी के हम लोग के टिकट मिला लो, देखा लगभग 200 लोग के टिकट तो फाइनल हो गए लो, देखा पटाखाबाजी रिकॉर्ड बढ़िया। अरे तूफान मजी जैसे आवाज दे तो ये देखा तू ना, मोदी के ऐलान के बाद यहाँ आतिशबाजी हो रही है, तो क्यों लग रहा है आपको कि इस बार और भी जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा? अरे भैया नशा हो मोदी जी का, पूरा विश्व के नशा हो, पूरे बनारस के हर घर घर में नशा है और सब लोग चाह रहा है माननीय मोदी को पीला पड़ा हो, ये केसरिया हो, इधर केसरिया चारों तरफ, केसरिया चारों तरफ, केसरिया आप भी मानत ना हुआ इन्हों किया क्या लग रहा है? ये देखिए आतिशबाजी, ये देखिए आतिशबाजी हो रही है, तो क्या लग रहा है इस बार के जो आंकड़ा है वो बढ़ा लो घटा लो? अरे जैसे आसमान में आतिशबाजी हो तो इसे पूरे विश्व में महाभारत का नाम हो माननीय मोदी जी का, माननीय मोदी जी का नाम चारों तरफ आतिशबाजी तरफ फैलत रही और प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु राम का आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद या मिलत रही। एक बार आप युवाओं का क्या लग रहा है, युवाओं के क्या रहेगा नजर बरास में? युवाओं एकदम खुश है, एकदम दिल से मोदी जी, मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी पे काफी विश्वास तुम लोग कहां करत हुए? अरे 2047 का लेके चला तुम सिस्टम, हम लोग के देश के विकसित करेगा, उनके पास पूरा प्रणाली है, इतना बड़ा प्रणाली लेके चला तुम, इतना सिस्टम हो। काशी से एक बार कह रही विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है काशी से, क्या लगता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस है, तो ऐसे में क्या मुश्किल पैदा होगी इस बार? बहुत मुश्किल पैदा होगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब चोर हैं। मिठाइयां खिलाई, गाना बजाई, ई है आप देख रहे हैं बनारस, ई बनारस की अलर्ट मस्ती है जो आपको दिखाई दे रही है जब नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से वहां उम्मीदवार बनाया गया है। हमारी सहयोगी प्रियंका ने बातचीत की है बांसुरी स्वराज से, पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी, नई दिल्ली से टिकट मिला, सुनिए जरा। बनी है बांसुरी स्वराज जो फिलहाल ग्रीट यहाँ पर तमाम लोगों को कर रही है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, देखिए तमाम लोग जो लोग आ रहे हैं बधाई दे रहे हैं, और बांसुरी स्वराज जो है अब नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली है। बांसुरी जी एक रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे, जब खबर मिली आप कहाँ थी और पहला रिएक्शन क्या था कि नई दिल्ली से लोकसभा? जी पहला रिएक्शन बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करने का था। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की, संगठन महामंत्री पवन राणा जी की, दिल्ली के प्रभारी जय पांडा जी की, मेरी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के एक एक कार्यकर्ता की मैं कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझकर ये अवसर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ ये टिकट मेरी नहीं है, ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। ठीक है, आपको ये टिकट जो है पहली बार दी जा रही है, और पहली बार अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव की, दो महिलाओं को पांच में से बीजेपी ने टिकट दी है, दो महिलाएं पांच में से अच्छा खासा रेशियो है, किस तरीके से इसको देखती हैं कि दो महिलाएं जो हैं, पिछली बार मीनाक्षी जी थी, अब इस बार दो लोकसभा प्रत्याशी रहने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में महिला सीट देखने को मिली नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि